हेलो नमस्ते सभी को। तो मेरा नाम है राहुल द व्हीकल बिस्ट के एक और वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ तृप्ति कार्स जो कि सत्यानगर बोरीवली वेस्ट मुंबई में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको प्रीमियम नॉन प्रीमियम सारे तरीके के कार्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ के ऑनर प्रणव सर जी को जो कि यहाँ की जो तृप्ति कार्स है उनको ऑन करते हैं और यहाँ पे ये किस टाइप की गाड़ियों पे डील करते हैं एंड कितने रेंज से स्टार्ट होती है सारी चीज हम जानेंगे। तो हेलो सर जी, कैसे हो आप? एकदम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। तो सर, गाड़ियों की डिटेल जानने से पहले आप एक बार तृप्ति कार्स के बारे में इंट्रो दीजिए कि आप किन किन गाड़ियों पे डील करते हैं और कब से आपने स्टार्ट किया? सर, हम लोग बेसिकली ज्यादा करके लग्जरी गाड़ी पे डील करते हैं। अच्छा, BMW, Mercedes, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में ज्यादा डील करते हैं। छोटी गाड़ियों हम लोग अभी चालू किए। अच्छा, कोविड की वजह से लोग कस्टमर्स के ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रहे थे छोटी गाड़ी पे, इसलिए हम लोग ये गाड़ी भी आज की तारीख में डील करते हैं। अच्छा, तो सर रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है अभी की अगर देखा जाए? सर, हमारे पास रेंज मिनिमम चालू होती है 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें जो भी एक बजट फ्रेंडली जो रहती है अल्टो वगैरह सारी मिल जाती है कार्स? हाँ जी सर। तो आपको मतलब जो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और रेंज कहाँ तक जाती है सर, मतलब प्रीमियम? हमारे पास रेंज आती है तकरीबन 45-50 लाख। मतलब आपको हर तरीके की, मतलब सबका ध्यान रखा गया बेसिकली देखा जाए तो। आप तो अगर आपको बजट कार भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको लग्जरी कार चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं गाड़ियों की लिस्ट की ओर। पहली गाड़ी सर 2015 की वैगनार है। अच्छा। जो पेट्रोल भी है और प्लस उसमें CNG भी है जिसको बोलते हैं वैगनार ग्रीन। अच्छा। जो 2015 की गाड़ी है और हम लोग उनके लिए कोट कर रहे 3,75,000। सिंगल ओनर गाड़ी है सर। और किलोमीटर ड्रिवन कितनी रहेगी सर? सर ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर चलेगी। 20,000। इसका प्राइस हम लोग तकरीबन मांग रहे 3,75,000, तो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। 3,75,000 जो कि नेगोशिएबल रहेगा। फिर नेक्स्ट कार क्या है सर? सर दूसरी गाड़ी है ऑडी A6। अच्छा। जो 2014 की है वो तकरीबन चलिए 40-45,000 के करीब, लाल कलर की गाड़ी है जिसका हम लोग किधर मांग रहे 17.5 लाख रुपए। 17.5 ऑनर सिंगल रहेगा सर? सिंगल होगा सर। और फिर इसमें सर क्या क्या मिल जाता है फीचर्स वगैरह इसमें? सर इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ABS होता है, हाई पावर रहता है, 2.0 TDI इंजन है, टॉप के साथ चलती है गाड़ी। बाकी आपको डिस्प्ले पे भी देखता रहेगा कि किस कंडीशन पे। हाँ। तो इसका जो प्राइस कोट कर रहे 17,50,000 जो भी आएंगे यहाँ पे नेगोशिएट हो जाएगा। यस यस यस। चलते हैं सर नेक्स्ट कार की ओर। सर दूसरी गाड़ी है 2015 की ऑल्टो। अच्छा। जो ग्रे कलर की गाड़ी है और जिसका हम लोग तकरीबन मांग रहे हैं 2,85,000 रुपीज, वो भी CNG के साथ है। अच्छा। वो भी एक बजट फ्रेंडली कार है, कोविड की वजह से एक छोटी छोटी गाड़ी कुछ ज्यादा ही बिक रही है तो हम ऑल्टो वैगन आर सब कुछ रखते हैं। अल्टो 2015 की 2,85,000 जो कि नेगोशिएबल है। चलते फिर नेक्स्ट कार पे। सर दूसरी गाड़ी है BMW X1। अच्छा। जो 2011 की है, ये भी देखा जाए तो एक टाइप की लग्जरी गाड़ी है और बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसकी गाड़ी की प्राइस BMW के होने के बावजूद भी इसकी गाड़ी की प्राइस सिर्फ 8.5 लाख रुपए है। 8.5 लाख। हाँ, जाके नई गाड़ी 40-45 लाख रुपए की आती है। ये 2011 की है सर? हाँ जी सर। और चली कितनी रहेगी सर थोड़ा? ये तकरीबन चली है 75-80,000 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 75-80,000 के बीच में चली। आप आओगे यहाँ पे तो पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी और इसका प्राइस सिर्फ 8,50,000 जी सर, जो की निगोशिएबल है। फिर चलते सर नेक्स्ट कार। सर दूसरी गाड़ी है 2019 की बेंटो फोक्सवैगन, जो एकदम ही ब्रांड न्यू जैसी गाड़ी है, सिर्फ 4,000 किलोमीटर चली है, शैंपेन गोल्ड कलर में गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। नई गाड़ी कुछ 14-15 लाख रुपए की और हम लोग सिर्फ 9 लाख रुपए मांग रहे, जो एक ही साल में हाफ द प्राइस में हम लोग बेच रहे हैं आज की तारीख में। 2019 की वेंटो और कितने में सर प्राइस करेगी इसकी? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए, मतलब काफी ज्यादा बचत होने वाली है आपकी। अगर आप नई लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं ये वेंटो। हाँ जी। चलते सर नेक्स्ट कार की। सर दूसरी गाड़ी है हमारे पास जो 2017 की GLA है, जो फिर एक मर्सिडीज का एक सेगमेंट है, वो गाड़ी है जो चलिए तकरीबन 55,000 किलोमीटर, सिल्वर कलर की गाड़ी है, सेकेंड ओनर है, उसकी भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है। आज हम लोग बेच रहे हैं वो गाड़ी तकरीबन 19-20 लाख रुपए में, जाके लोग मार्केट में 22-23 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम लोग ने गाड़ी रखी है। 19-20 लाख, मतलब जो भी आएगा कस्टमर्स के पास हो जाएगी, मतलब
90,50,000 इसका प्राइस है जो कि नेगोशिएबल। यस यस, काफी इसमें आपको फीचर्स सारे मिल जाएंगे और आपको इंटीरियर वगैरह का जो भी है आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से क्या कंडीशन देने वाले, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन क्वालिटी यूज कर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी, तो सर जानते पाए दूसरी गाड़ी सर दूसरी बजट फ्रेंडली गाड़ी है, एक फैमिली कार है, मारुति की गाड़ी है, स्विफ्ट तो बहुत फेमस होती है फैमिली के लिए, तो एकदम नई जैसी गाड़ी है, भले 2015 की पर कंडीशन देखने जाओगे तो एकदम ब्रांड न्यू जैसी है। एक कितने किलोमीटर चली सर? खाली 20,000। सिंगल ओनर गाड़ी है और इसका प्राइस कोड है 5 लाख जो कि नेगोशिएबल देगा। ये पेट्रोल या डीजल सर? ये पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट के साथ आती है, प्राइस इज 5 लाख रुपीज जो कि नेगोशिएबल देगा। पाओगे तो ऑन द टेबल आप नेगोशिएट कर सकते हो। सर एक बार बस लोन के बारे में बता दीजिए कि आप फाइनेंस। सर फाइनेंस में हम ऐसा करते हैं, हम मान लो आप 1 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो और हम लोग 85% फाइनेंस करके देते, मतलब 15,000 का अगर 15,000 डाउन पेमेंट दो और एक गाड़ी ले लो, बस सिविल स्कोर अच्छा रहे, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, पेपर्स क्लियर होने चाहिए, तो मतलब वो फिर 15% मतलब डाउन पेमेंट करके वो गाड़ी ले जाए। हाँ जी सर। तो जानते सर नेक्स्ट का? सर नेक्स्ट गाड़ी है 2010 की फॉर्चुनर। अच्छा, जो ब्लैक कलर में है, 2010 की होने के बावजूद भी वो बहुत कम किलोमीटर चली है, तकरीबन 60-65,000 किलोमीटर चली है। हाँ जी सर, ब्रांड न्यू टायर्स हम नहीं लगाए और गाड़ी एकदम इमैक्युलेट कंडीशन में, हम लोग उसका प्राइस मांग रहे हैं तकरीबन 11 लाख रुपए। अरे फोर व्हील ड्राइव या टू व्हील? फोर व्हील ड्राइव, 4x4। अरे मैनुअल? मैनुअल सर। 11 लाख रुपए। तो 2010 की फॉर्चुनर आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए की, जो कि नेगोशिएबल पाओगे तो अंदर टेबल नेगोशिएट। सर ये सिंगल ओनर है? सिंगल ओनर। फिर सर नेक्स्ट? सर दूसरी गाड़ी है जो हमारे पास है वो मर्सिडीज की है, ई क्लास। अच्छा, ई क्लास। ई क्लास है पर वो पेट्रोल में है, जिसका कलर सिल्वर है, उसका अपन तकरीबन मांग रहे हैं 22 लाख रुपए। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, खाली 40,000 चली है। आज की तारीख में डीजल पेट्रोल का प्राइस तकरीबन सेम है, तो पेट्रोल होने के बावजूद भी हम लोग को ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है लग्जरीज के हिसाब से, तो ई क्लास है, जो कोई भी लेना चाहे वो 22 लाख रुपए में एक अच्छी सी ई क्लास लेके जा सकते हैं, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू आज की तारीख में 75 लाख रुपए की गाड़ी जो कि आपको आज के डेट में मिल रही है 22 लाख जो कि नेगोशिएबल रहेगा, तो आप आओगे तो अंदर टेबल नेगोशिएट कर सकते हैं। बाकी एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Yes. तो फिर सर दे सर नेक्स्ट गाड़ी पर? सर ये हुंडई i10 है, जो सिल्वर कलर की गाड़ी है, 2014 की है, तकरीबन 19,000 चली हुई है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, लेदर अपहोल्स्ट्री लगा हुआ है, एक्सेसरीज अच्छे से लगा हुआ है, ऑटोमेटिक भी है, उसका तकरीबन आप कुछ मांग रहे 4,75,000 रुपीज। और ये i10 ग्रैंड है, जो नई शेप आई है, पहले i10 आती थी, अभी i10 ग्रैंड आती है, न्यू शेप वाली गाड़ी है, जो कि 2014 की है, 2014 सिंगल ओनर, सिंगल ओनर गाड़ी। और इसमें भी आपको जो प्राइसेस रहेंगे सारे के सारे नेगोशिएबल रहेंगे, और आपको इसमें आफ्टर मार्केट जो सीट्स वगैरह जो वो भी चेंज करवाए गए, और इसका प्राइस कोड करें 4,75,000 जो कि नेगोशिएबल रहेगा। सर फिर हमारे पास 2019 की मर्सिडीज है, जिसको बोलते हैं CLA 200। आज के मार्केट के हिसाब से लेडीज लोग ये गाड़ी की ज्यादा इच्छा करते हैं कि ये गाड़ी वो रखे, कॉम्पैक्ट सेडान है, एक कॉम्पैक्ट सेडान है और ज्यादा करके लेडीज लोग के लिए बनी है, फेमिनिन गाड़ी है, बहुत अच्छी है चलने में, और हर एक फीचर है वो गाड़ी में जो एक सी क्लास में मिलती है। बाकी इसका जो इंटीरियर का डिजाइन वगैरह भी काफी नीट रहता है, क्योंकि जो मर्सिडीज की जो ब्रांड रहती है वो जो इंटीरियर पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती है। हाँ जी सर। तो आपको सीएलए लो या फिर ए क्लास लो, मतलब जो लग्जरी का फील आपको सब में आने वाला है, बाकी कॉम्पैक्ट सेडान है बट आपको स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। तो क्या रहने वाले सर इसकी डिटेल? सर इसकी अपन ये है 2019 की गाड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और चली तकरीबन 18,000, सिर्फ 18,000 चाली चली है, और तकरीबन हम लोग इस गाड़ी का मांग रहे 27 लाख रुपए। फिर ये नई गाड़ी तकरीबन कुछ 45-48 लाख रुपीज की है, मतलब 2019 की गाड़ी। हाँ सर। और इसका प्राइस 27 लाख, आधे आधे दाम में, दाम में आपको मर्सिडीज सीएलए मिल रही है, वो 200D। यस सर। डीजल के साथ आती है। यस सर, यस सर, यस सर। काफी अच्छी डील अगर आप चाहते हैं कि एक लग्जरी सेगमेंट में आना, और एक कॉम्पैक्ट सेडान चाहते हैं जो कि एक लग्जरी फील वाली, तो आप इस पे जा सकते हो सिर्फ 27 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएबल रहेगा, पाओगे तो ऑन द टेबल आप नेगोशिएट। यस सर। सर फिर हमारे पास गाड़ी है जो है टाटा की नेक्सॉन। आज इंडिया में टाटा नेक्सॉन बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा है, क्योंकि वो एक एसयूवी की तरह बनाई गई हुई, छोटी सी एसयूवी बनाई गई हुई, फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हो, डिक्की की स्पेस बड़ी है, गाड़ी भी अच्छे से चल रही है, टाटा एसयूवी बोल सकते हैं। हाँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल सकते हैं, और टाटा ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकाला, इंडिया का ब्रांड भी मिल रहा है, इंडिया का ब्रांड भी मिल रहा है, हर फीचर्स भी मिल रहे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फीचर होता है आज टाटा ने एक नेक्सॉन में दिया हुआ है,
बहुत प्यारी गाड़ी, उसका वो है 2018 की गाड़ी और तकरीबन वो भी चलिए कुछ 8-10 हज़ार किलोमीटर, उसका अपन मांग रहे कुछ 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख जो कि 2018 की है। और लेस देख रहे हो यहाँ की आप जितनी भी गाड़ी सब लेस जीवन का है, मतलब आपको एक कंडीशन वाइज भी आप जब गाड़ी की जो चली हुई है वो लेस जीवन, तो जब गाड़ी अगर कम चली रहती तो उसकी कंडीशन भी काफी एकदम सर। हमारी सबसे ज्यादा हमारी यूएसपी यही है कि हम कम किलोमीटर चली हुई गाड़ी लेते हैं, कंपनी की वारंटी जिसमें वैलिड रहते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी आ जाए हमारे पास। प्लस हम लोग गाड़ी लेने के टाइम पे ये चीज़ भी बहुत गौर से देखते हैं कि गाड़ी हमेशा कंपनी के साथ ही मेंटेन हुई, तो ये हम लोग गाड़ी में पैसे लगाते हैं। इस साल वाली गाड़ी लेते तो हम लोग 6 महीने की गेयरबॉक्स की वारंटी देते हैं, इंजन की वारंटी देते हैं, प्लस जब गाड़ी की डिलीवरी होती है तभी हम लोग सर्विसिंग सब कुछ करके देते हैं। तो कस्टमर जब हमसे गाड़ियाँ लेके जाते हैं डिलीवरी में, तो उनको 5,000 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को देखना नहीं पड़ता, फिर भी उनको सर्विस करवाना पड़ता है। मतलब आपको गाड़ी जब भी कोई बाय करता है तो आप उसको 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं। 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं। जब भी कोई भी गाड़ी परचेज करिए, चाहे वो 2010 है चाहे 2017-18 रहे, तो आपको कंपनी के थ्रू वारंटी की वारंटी होती है। बाकी अगर 2014-13 रहे तो आपको यहाँ पे 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। और एक इनका एक वेबसाइट है सर, आप एक वेबसाइट के बारे में जरूर बताइए। सर हमारा ये वेबसाइट जो है उसका नाम है lelecar.com। अच्छा, आप एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर से डाल सकते हो उसका एप्लीकेशन भी सर। यस सर, प्ले स्टोर में आपको lelecar के नाम से मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी lelecar के नाम से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हो lelecar.com के नाम से। ये बेसिकली एक पोर्टल है यूज्ड कार सेगमेंट का, जहाँ पे हम लोग हर डीलर की गाड़ियाँ हमारे पोर्टल पे लाते और आपको बहुत सी बढ़िया रेंज की प्रोडक्ट्स मिलती है। तकरीबन हम लोग की पोर्टल पे आज की तारीख में 1,000 से ज्यादा गाड़ी है। हम लोग ने पूरा इंडिया कवर किया हुआ है, पूरा इंडिया कवर किया हुआ। आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी गाड़ियाँ चाहिए, आप सिर्फ lelecar.com के अंदर लॉगिन कर सकते हो और अपनी चॉइस की गाड़ी खरीद सकते हो। तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आप चाहते हो कि और भी गाड़ी की रेंज आपको और भी देखना पसंद है तो आप lelecar.com या फिर इनका एप्लीकेशन भी lelecar के, तो वो आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी जो भी चॉइस है आप पूरी कर सकते हो lelecar.com में। Yes, तो सर बहुत ही अच्छी आपने वेबसाइट क्रिएट की ताकि मतलब ऑडियंस को और ज्यादा इजी हो जाए अपनी ड्रीम कार सर्च करने। तो चलते हैं आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।